हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं कुलचे। हम बिल्कुल मार्केट की तरह कुलचे बनाने वाले हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे और बहुत कम सामान में, घर के ही सामान में। और कुलचे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोले के साथ हो या बटर के साथ भी आप खा सकते हैं, ऐसे ही चटनी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा ले लिया। मैदे को आप हमेशा छान कर ही यूज़ करें। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल लेंगे। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल लेंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे। और सबको आटे में बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बीच में से थोड़ी सी जगह बना लेंगे और हम यहाँ पे 1/4 हम यहाँ पे तेल डालेंगे, जितना हमने मैदा लिया है उसका 1/4। और 1/4 हमें यहाँ पे दही यूज करना है, चाहे तो आप तेल थोड़ा कम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और सबको हम आटे में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम हाथों से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे इसका। और अगर आपको लगे थोड़ा सा डो आपका सख्त बन रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जितनी आपको जरूरत लगे। तो थोड़ा सा पानी से मैंने इसको गूंद लिया है। उसके बाद हम इसे तेल का हाथ लगा के अच्छे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चाहे तो आप किसी पन्नी से कवर कर ले या फॉइल पेपर से, और किसी टावल से ढक के आपको रखना है किसी गर्म जगह पे। तो ये बहुत जल्दी हमारा आटा फूल जाएगा। तो 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तो उसके बाद देखिए हमारा आटा 1 घंटे बाद कितना सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए अब हम इसे 1-2 मिनट तक और सॉफ्ट कर लेंगे, मल लेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको सख्त हाथ से नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो कुलचे हैं वो भी बहुत सख्त बनेंगे। सॉफ्ट हाथों से करना है, तभी हमारे कुलचे बहुत अच्छे जालीदार बनेंगे। और उसके बाद जितने हमें पेड़े चाहिए उसी हिसाब से हम इन्हें चाकू से काट लेंगे, इस तरीके से जितने हमें कुलचे बनाने हैं। उसके बाद इस तरीके से आप गोल गोल ऐसे उठा उठा के इस तरीके से हम इसके पेड़े का साइज बना लेंगे। और पेड़ों को भी हम 1/2 घंटे के लिए फिर से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए पेड़े हमारे बन के फूल गए हैं। तो हम अब इन्हें सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद हाथों में थोड़ी सी तेल लगा लेते हैं। आपको यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल या आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आप तेल लगा के ही इन्हें बेलेंगे। तो आप बेलन में और चकले में दोनों में अच्छे से तेल लगा लें। तो देखिए कितने जल्दी हमारे और कितने इजीली हमारे कुलचे बहुत अच्छे से बेल रहे हैं। तो उसके ऊपर आप धनिया पत्ती लगा लें, चाहे तो आप यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब आपको करना है कि कुलचे के दोनों साइड बहुत अच्छे से पानी लगाना है, दोनों तरफ लगाना, एक तरफ नहीं लगाना है। बहुत से लोग हैं कि एक ही साइड लगाते हैं, लेकिन दोनों साइड पानी लगाना है। उसके बाद पैन को अच्छे से गर्म कर ले और गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें। अब हम इसमें कुलचे डाल लेंगे और साइड से हम चम्मच से पानी डाल लेंगे। पहले हम ऊपर से एक बार और अच्छे से पानी लगा लेते हैं, पानी आपको अच्छा लगाना है। तो देखिए साइड से मैंने पानी डाल लिया है और अब हम ढक देंगे ताकि जो पानी की स्टीम है उससे हमारा कुलचा बहुत ही अच्छा बने। तो देखिए कुलचा हमारा फूल गया है। जब कुलचा हमारा फूल जाए तो आप इसे दूसरी तरफ पलट लें, और दूसरी तरफ पलटने के बाद भी हमें साइड से चम्मच से पानी डालना है पैन में। इससे हमारे कुलचे में बहुत अच्छी जाली आएगी और जो पानी की भाप बनेगी तो उससे भी कुलचे अंदर तक बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो ही रखना है। बहुत जल्दी जल्दी हमारे कुलचे बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप पहले ब्रश से तेल लगा लें नीचे की साइड, फिर उसके बाद पैन में रख के ऊपर की साइड लगा लें तो बहुत अच्छे से पानी लग जाएगा। तो देखिए हमारा कुलचा फूल गया है। अब दूसरी साइड पलट लेते हैं। आपको यहाँ पे घी तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आप पानी ही डालें साइड से, जो उसकी स्टीम है उससे ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे कुलचे बना लिए हैं। तो तैयार हो गए हमारे कुलचे। अगर आपको छोले की रेसिपी देखनी है तो मैंने
छोले की रेसिपी भी डाली है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिए। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा।